उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण बनाई गई है और प्रत्येक ग्रीष्मकाल में गैरसैंण में ही सत्र करने का आह्वान सरकार की तरफ से किया गया है, लेकिन इस बार गैरसैंण में बजट सत्र नहीं कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की माने तो उनका कहना है कि लगभग 30 से 40 विधायकों ने एक पत्र विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा है, जिसमें उन्होंने बजट सत्र गैरसैंण में न करवाकर देहरादून में करने की मांग की है, जिस पर संज्ञान लेते हुए हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है कि इस बार का जो बजट सत्र होगा वह देहरादून में ही किया जाएगा। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि सरकार के विधायक हों या फिर विपक्ष के विधायक हों, जिन्होंने पत्र लिखकर मांग की है कि बजट सत्र गैरसैंण में न कर राजधानी देहरादून में कराया जाए, इसकी वह निंदा करते हैं, क्योंकि जब बजट सत्र गैरसैंण में नहीं कराया जाएगा तो इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का भी कोई औचित्य नहीं है। और सरकार ने पिछले बार बहाना किया, अगर फरवरी और मार्च में भी हम नहीं कर सकते तो हमने उसको राजधानी घोषित क्यों किया? इसमें चाहे वो किसी ने भी दस्तखत किए हैं, मेरी जानकारी होता कभी कभी ऐसा होता है एक ही विधायक एक पत्र में दस्तखत करा लेता है, उसमें बाद में लिखा जाता है, हो सकता है उस तरीके की बात रही हो, लेकिन जिन भी जनप्रतिनिधियों ने गैरसैंण में सत्र बुलाने का विरोध किया है, निश्चित ही उन्होंने जो शहीद हैं उनकी भावनाओं का, आंदोलनकारियों की भावनाओं का को ठेस पहुंचाने का काम किया है, मैं ये कहना चाहता हूं।